झारखंड में वर्तमान राजनीतिक हालात जो है पल पल बदल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि राज्यपाल अब यहां से झारखंड से चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी। आदित्य जी, ये जो स्थितियां बनी है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, विधायकों से इस्तीफा ले लिया जाता है, क्या किस रूप में देख रहे हैं झारखंड के लिए, ये कितना शुभ है या अशुभ है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कांग्रेस के समर्थन से यहाँ सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की चल रही है। इन 4 वर्षों में इस राज्य को लूट करके खोखला बनाने का काम किया है, जनता के कल्याण के लिए एक भी काम करने का काम नहीं किया है। गांव में जाकर के अब आम जन से पूछने का काम करें तो जनता ये बताने की स्थिति में है कि राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग एक भी काम करने का काम किया है। जनता इनको उल्टे दौड़ाने का काम कर रही, क्षेत्र में जाने से रोक रही है। तो ये लोग काफ़ी घबराए और डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बार बार दोष देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जनता की आवाज़ है, जनता की समस्याओं समस्या जूझती है और एक एक कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे रहते हैं। ईडी के साथ में समन पर भी मुख्यमंत्री का नहीं जाना और इस बीच में इस्तीफे की बात आना, कल्पना सोरेन का नाम आगे आना, इसको किस रूप में देखें? देखिए, झारखंड का एक एक आदमी इस बात को जान रहा है कि वही व्यक्ति डरता है, सहमता है जो कुछ गलत करता है। और मुझे लगता है कि 7 बार ईडी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को समन दिया गया है तो उनको जा करके अपनी बातों को रखनी चाहिए, यदि कोई गलत काम नहीं किया हो तो। मुझे लगता है काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, ईडी के सामना करने से घबराए हुए हैं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड की जनता देख रही है किस प्रकार से पत्थर की, कोयले की, लोहा की, जमीन की, आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन की जिस प्रकार से इन 4 वर्षों में लूट हुई है, राजधानी में खुद इतने बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हुई है, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी इनके चट्टे बट्टे, कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। तो झारखंड की जनता जानती है कि ये जनता के कल्याण के लिए सरकार नहीं बनाते, अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए सरकार में बैठते हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात में बीजेपी का अगला कदम क्या हो? बीजेपी हमेशा जनता की सेवा करने का काम करती है, जनता के लिए काम करती है, आगे भी जनता की सेवा करने का काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीबों के लिए असंख्य कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं, उन बातों को लेकर जनता को कहीं कोई असुविधा उसको लेकर के जाने वाली है। ये जो परिस्थितियां बनी है ईडी और मुख्यमंत्री के बीच में, दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में सहमत का खेल चल रहा है, पहला समन, दूसरा समन, छठा समन, सातवां समन, और फिर उस समन पर ना आना, फिर एक पत्र भेज देना, इसको किस रूप में? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बतला सकते हैं को करना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड के लोगों को। मुझे फिर बोल रहा हूँ कि यदि कोई गलत काम नहीं किए हैं तो जा करके अपनी बातों को रखनी चाहिए। संवैधानिक संस्था है, न्याय का संस्था है, डरे क्यों हैं? डरना किस बात का है? यदि आप गलत काम नहीं किए हैं तो स्पष्ट संदेश जनता के बीच में गया, लोग जानने लगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है, इससे डरे और सहमे हुए हैं। अगर यदि गलत काम नहीं किए होते तो निश्चित रूप से ईडी के पास जाकर कर अपनी बातों को रखने का काम करते। ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी दुष्प्रचार कर मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहती है और ईडी से उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। देखिए, बीजेपी कभी दुष्प्रचार की राजनीति नहीं करती है। मैं तो पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है, और इसी मूल मंत्र के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों कार्य किया है इन 9.5 वर्षों में, जो जनता महसूस भी कर रही है। और 3 बड़े राज्यों में जिस प्रकार से जनता ने अपना निर्णय दिया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि गाँव, गरीब, किसान, मजदूर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो बिल्कुल, आदित्य साहू जी ने कहा कि अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मेरे तरफ से सलाह है कि वो ईडी के सवालों का जवाब दे दे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।